हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी का जो नेट का एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया होगा, और वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है उनको हताश नहीं होना। दैट मीन्स उनको एक अच्छा चांस मिला है कि उसको और मेहनत करनी है, और अच्छे से मेहनत करके जो एग्ज़ाम आपका जून में होगा उसको आपको क्वालिफाई करना। देखो फ्रेंड, लाइफ में ये चीज़ चलती रहती है। कई बार ये होता है कि हम वन टाइम में ही सक्सेस हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने मेहनत की, कोशिश की, प्रयास किया, बट हम तब भी सक्सेस नहीं हुए। बट इसके लिए हमें हार नहीं माननी है, हमें मेहनत करना स्किप नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ टाइम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर अभी सेटअप तैयार नहीं हुआ है। अभी 8 से 10 डेज मुझे यहाँ लगेंगे अच्छे से सेटअप तैयार होने में, और 15 दिसंबर से हमारा जो है अच्छे से प्रॉपर वे में हमारी क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसलिए क्या है, हम जो अच्छे से हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नेट के लिए, वो हमारी 15 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। वही चीज़ पहले हम क्या करेंगे, हमारा लीनियर एलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, और लीनियर एलजेब्रा के साथ साथ सबसे पहले जो उठाएंगे अब की बार हम अप्लाइड में हम उठाएंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इन दोनों टॉपिक को हम साथ साथ करते चलेंगे। और दूसरा ये फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपका गेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और गेट का जो एग्ज़ाम का जो लेवल है और जो नेट के एग्ज़ाम का लेवल है, ये दोनों के दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेट में जो है आपकी क्या है, नॉलेज चेक की जाती है, गेट एग्ज़ाम में आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, वहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर चेक की जाती है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक आप न्यूमेरिकल चीज़ों को सोच पाते हो। ओके, वो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो गेट की टेस्ट सीरीज है इस पर हम वर्क करने वाले हैं। सेम उसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आपको साइंटिफिक वहाँ पे जो कैलकुलेटर है, आपको टेस्ट सीरीज के अंदर कैलकुलेटर वहाँ अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप जैसा एग्जाम में होता है आपका कैलकुलेटर कि वहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो न्यूमेरिकल पोर्शन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। इसलिए क्या है, अब जो पूरा फोकस है इस बात पे मत लगाना कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया या मेरा ये नहीं हुआ। अब आपको फोकस ये करना है कि हाँ, नेट का जो हुआ है रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अभी हमारा 101% क्या होना चाहिए, हमें गेट को क्वालिफाई करना है। और गेट को हम क्वालिफाई कब कर पाएंगे, गेट को हम क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप और मैं अच्छे से वर्क करता हूँ। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको अच्छे से मेहनत करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। ओके, इसलिए क्या है, अच्छे से सिस्टम से हम क्या है 101% अपना गेट एग्जाम पे देने वाले हैं, और विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मेरी कई स्टूडेंट से बात हुई थी, वो यही कहते थे सर नेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो आपने टेस्ट में लिए थे। मैं कहूँगा देखो क्या होता है, क्वेश्चन जो है कहाँ से देगा, हमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत। फॉर एग्जाम्पल गेट है, हम खुद कर लेना प्रैक्टिस, हमें ये लगता है हमें सब कुछ आ गया, बट जब अनसीन क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में जाके देखते हैं तब हमें ये लगता है हो ये तो टॉपिक मैंने किया ही नहीं था, ये तो मैंने किया ही नहीं था। इसलिए जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए इसलिए बेनिफिट देती है कि वो स्टूडेंट जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है उनको ये कैसे पता चलेगा कि उनकी एक्चुअलिटी में प्रैक्टिस हो चुकी है या उनको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप टेस्ट दोगे वहाँ आपको अनसीन क्वेश्चन मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कम टाइम में उसको सोल्व करना इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने में आपने 10 मिनट लगा दी, दैट मीन्स आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, ट्रिक नहीं पता। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हमें कम से कम टाइम लेके उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, और ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे यकीन मानिए आप गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए क्या है कि अब जो है कल से हमारा 101% जो फोकस रहेगा वो आने वाले गेट एग्जाम पे रहेगा कि हमें गेट एग्जाम को क्वालिफाई ही करना है। वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है और जो ये चाहते हैं कि सर हम आपके साथ हार्डवर्क करने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, वो स्टूडेंट जो है गेट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर का जो पैटर्न होगा, जो टेस्ट का पैटर्न होगा, पहले हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट चलेंगे, और टॉपिक वाइज के बाद फिर हमारे फुल लेंथ के टेस्ट चलेंगे जैसा कि एग्जाम के अंदर होता था। ओके, और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो है पार्ट ए पे भी हम विशेष अब वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नेट एग्जाम की बात करें, नेट एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमने करवाई हुई थी, एज इट इज वही क्लोक हमने किया हुआ था, रीजनिंग में वही आया हुआ था, वर्क एंड टाइम किया हुआ था वही आया हुआ था हमारे पास, और 2-3 टॉपिक और बात करें वो आए हुए थे। हालांकि हमारा पूरा नहीं हो पाया था वर्क, वो पार्ट ए का वर्क, इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए, बट कोई नहीं। देखो
क्या है, अभी हमारे पास टाइम है और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छी रैंक के साथ वर्क करेंगे। इसलिए क्या है कि जिन स्टूडेंट्स का टारगेट जून एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, वह आप जून एग्ज़ाम के लिए जो क्लास हमारी स्टार्ट होगी उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है, पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है। पेन ड्राइव कोर्स में क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस दी जाएगी कि किसी भी लेक्चर को आप कितनी टाइम भी रिपीट कर सकते हो और ये लेक्चर आपके पास लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं। ओके, दूसरा आपका जो है ऑनलाइन कोर्स होगा। ऑनलाइन कोर्स में ये होगा कि आपके जो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ होगी, यानी 6 मंथ तक आप इन लेक्चरों को कभी भी कितने टाइम भी देख सकते हैं। ओके, ये हमारा वर्क रहने वाला है। इसलिए हताश आपको होना नहीं है, माइंड में ये लेके आना नहीं है सर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, हम 5 नंबर से रह गए या 10 नंबर से रह गए, या आपके माइंड में ये हो सर मैंने 5वीं बार किया मेरा नहीं हुआ, या मैंने 3री बार किया नहीं हुआ। फ्रेंड, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिसका 5वीं बार हुआ या 6ठी बार हुआ या 7वीं बार हुआ है, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वही चीज़ मैं आपको कहूँगा, हार माननी नहीं है, हार्ड वर्क करना है और जब तक नहीं छोड़ना जब तक कि सक्सेस ना हो जाए। क्या, जब तक इसको हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हम सक्सेस ना हो जाए, और डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। हार्ड वर्क करेंगे हम, सफलता हमारे पास क्यों नहीं आएगी बताइए आप, आएगी, सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस की और लगन की। वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी प्रैक्टिस की, कितनी लगन के साथ किया। कई स्टूडेंट को मैं जानता हूँ मेरे, जो कि आज स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया उनके अंदर मुझे ये लगता था हार्ड वर्क करते हैं, बट उसके बाद लाइव क्लास नहीं में नहीं आ रहे हैं या टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होती है। मेरा मानना ये है जहाँ भी आप कोचिंग लो, टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट दो, क्लासेस डेली जितनी भी लाइव चलती है लाइव क्लास लो, और एवरी जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपका असाइनमेंट है, एवरी असाइनमेंट को सोल्व करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फायदा है, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ द मनी है, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको सक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं होना चाहते। आप मेहनत करोगे नहीं, टीचर आपके ऊपर मेहनत करे तब नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए क्या है, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं रखना माइंड में, सिर्फ एक ही थिंकिंग रखनी है और वो ये कि हमें जून एग्जाम का नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। और वो स्टूडेंट जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका सिर्फ एक ही माइंड होना चाहिए कि मुझे गेट को क्वालिफाई करना और इसी बार क्वालिफाई करना और एवरी टेस्ट को देना है। क्या, एक सिंगल टेस्ट को हमें स्किप नहीं करना है, जितने भी टेस्ट होंगे सभी टेस्टों को देना प्रॉपर वे से देना है। ओके, इसलिए क्या है, वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है गेट क्लासेस के लिए, गेट टेस्ट सीरीज के लिए या फिर नेट की क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, वो आपका अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप आप सभी जो है अपना हार्ड वर्क करने वाले हो, 101% देने वाले हो गेट एग्जाम के ऊपर, या वो स्टूडेंट जिनका नेट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि रिजल्ट का वेट करेंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, हमारा ये है कि अभी से हमें प्रॉपर वे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अच्छे से प्रॉपर वे से तैयारी स्टार्ट करोगे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ओके, इसलिए मेहनत स्किप नहीं करनी है, मेहनत करनी है। ओके, आई होप आप सभी मेहनत करने वाले हो। 15 से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है वो इसमें आ सकते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं हम सभी 15 दिसंबर से, और कोशिश करता हूँ कि 15 दिसंबर से हमारी जो पार्ट ए की क्लास है जो आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी उसको भी मैं स्टार्ट कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करने वाले हो। थैंक यू फ्रेंड्स।